जय जिनेंद्र कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी का नाम है ट्रेडिशनल राजस्थानी केसर मिल्क। तो इसे हम सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे जैसे राजस्थान में इसे बनाया जाता है आयरन की कढ़ाई में, और इसे सर्विंग भी हम ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे मिट्टी के सिकोरों में। ऐसे माना जाता है राजस्थान अगर सर्दियों में हमारा जाना होता है और रात को इसे हमने पिया नहीं तो फिर क्या एंजॉय किया। राजस्थान जितनी बार जाना होता है रात को सर्दियों में इसे पीने स्पेशल लोग जाते हैं। तो इसे कैसे बनाया जाता है चलिए हम देखते हैं। राजस्थानी ट्रेडिशनल केसर मिल्क इसको हम कढ़ाई में बना सकते हैं ताकि इसमें मलाई अच्छी आए और दूध फटाफट जो है कढ़ाई में उबाले लेने लग जाता है। तो इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध यहाँ पे कढ़ाई में हाई फ्लेम पे चढ़ा दिया है जिसको हम बीच बीच में खिलाते हुए कच्छी से खिलाते रहेंगे ताकि जो है दूध जो है नीचे ना लगे, और दूध आधा हो जाएगा तब तक हम इसके उबाले लेते रहेंगे। फर्स्ट उबाला हम हाई फ्लेम पे ही लेंगे फिर मीडियम फ्लेम हाई फ्लेम ऐसे करते हुए दूध को हम आधा होने तक उबाले लेते रहेंगे। अब देख सकते हैं दूध जो है कढ़ाई में हमारे गाढ़ा भी हो गया है, लच्छेदार देखिए मलाई भी आ गई है और दूध आधा भी हो गया है क्वांटिटी जो है। अब इसमें आप चाहो तो केसर भी ऐड कर सकते हैं, और मैं यहाँ इंस्टेंट बनाने रही हूँ तो ये होममेड मेरे ही लॉन्च किया हुआ कुक विद मनीषा का केसर का शरबत है। इसमें प्रिजर्वेटिव कलर एसेंस कुछ भी नहीं है ये डालूंगी, इसमें हमें शुगर और कुछ भी अलग से डालना नहीं पड़ेगा। तो ये हम ऐड कर देते हैं यहाँ 2-3 स्पून ये मैं डालूंगी, थोड़ा शेक कर लेंगे ताकि केसर की जो लीव्स है सब जगह, और इसको हिला के देखिए कलर भी इतना अच्छा आएगा। तो देखिए कढ़ाई राजस्थानी ट्रेडिशनल केसर कढ़ाई मिल्क हमारे तैयार है, एकदम लच्छेदार मलाईदार केसर भी देखिए कलर कितना अच्छा आया है। अब इसको हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सर्विंग के लिए ट्रेडिशनल तरीके से ही हम इसको सर्व करेंगे। तो अब फ्लेम ऑफ कर देती हूँ मैं, अब इन्हीं ट्रेडिशनल तरीके से जैसे सर्व करना है इसके लिए मैंने ये मिट्टी के सिकोरे लिए हैं, इनको मैंने 2 आवर वाटर में भिगो दिया जिससे इसमें जो डस्ट और लगी हुई होती है वो क्लीन हो जाती है। अब इसमें हम ये गरम गरम मिल्क जो है मलाई के साथ ऐसे देखिए सर्व करेंगे। अब जब इसमें सर्व कर लिया है अब हम इसके ऊपर से ऐसे मलाई लेंगे और इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। इसी तरह मैं सारे सिकोरों में जो है मिल्क को पोर कर लेती हूँ। तो देखिए लच्छेदार एकदम की हमने पोर कर लिया है केसर कढ़ाई मिल्क। इसको अब हम गार्निशिंग करेंगे थोड़ा सा बादाम पिस्ता का बुरादा डाल के। इसे जो है राजस्थान में स्पेशल लोग पीने के लिए शॉप पे जाते हैं। और ठंड के मौसम में इसमें इसको पी के एंजॉय कीजिए। तो कैसे लगा कढ़ाई केसर मिल्क ट्रेडिशनल तरीके से बना के मेरे को कमेंट के जरिए जरूर बताइए। अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ।